अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ वो ये है कि रेलवे स्टेशन पे हमारे जो बहुत अरसा के बाद मैंने ये देखा है कि मालगाड़ी आई है। अभी तक दो ट्रेनें मिलत और जो एक कराची जाने वाली बहाल हुई है, धमाका नहीं है। रात को रूही आती थी वो अभी बहाल नहीं होती है। प्लीज़ गवर्नमेंट वफाक से अपील करता हूँ, जितने आला अफसराने बाला हैं मैं उनसे अपील करता हूँ कि यहाँ पे हमारे मंडी बहाउद्दीन स्टेशन के ऊपर 10-30 स्टॉल होते थे तो वो उनके ऊपर फ्रूट, सिगरेट वगैरह और चाय और हर चीज़ मिलती थी, लोगों का एक रोज़गार चला हुआ था। अब यही चीज़, यानी कि मीन कहने का मकसद ये है कि अगर यही चीज़ें जो हैं वो जाती थी गाड़ियों के ऊपर, जो माल गाड़ी में चीज जाती है, अभी ये सिर्फ़ एक टी स्टॉल हमारा बहाल हुआ है। तो ये मैं आपको व्यू सारा दिखा रहा हूँ। इस तरह है कि दूसरे के लोगों का भी रोज़गार खुलेगा, ये सब चीज़ें होंगी तो उससे बेहतरी आएगी माशियत में, ये सब चीज़ें बनेंगी। अब यहाँ पे देखें कि ये फूड पांडा वाले भी बैठे हुए हैं, यानी कि टीके पिलाने वाले, या हर किस्म की बहाली हो रही है, कटाई हो रही है, वर्क हो रहा है इस पर। तो सिर्फ़ वफाक गवर्नमेंट से इतनी ही गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ उन ट्रेनों को भी बहाल किया जाए, माशियत में बहाली आए, कौम तरक्की करे। यहाँ पे जितने टी स्टॉल थे, जितने थे ये चीज़ें थी, सब बहाल हों और जितने बेचारे बेरोज़गार इंसान थे उनको दोबारा से जो है वो काम मिल सके, अपना वो काम कर सकें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। मंसूर अहमद चैनल को मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।